एक ही नेताजी हैं और वो लपेटे में लिए जाएंगे मंच पर कवियों द्वारा। स्वागत करेंगे हम LJP नेता चिराग पासवान जी का। जिया है बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू हजार साला। के मैं तो कन्फ्यूज हूँ सर, आप ही बताएं मुझे ये तेज और तेजस्वी में बड़ा भाई कौन है? लाखों दीवाने मांगे दुआ, सबकी जरूरत है लोजपा, उपग्रही मिजाज है, मौसम का इनको अंदाज है, लगता है नासा आपका ही पोता है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं? आपकी सब बात मानते हुए सर, मैं फिर भी यही कहूंगा कि आपके चाचा जी पलटी मारेंगे। चिदंबरम अंदरम, अब किसका है नंबरम? तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है सवाल जवाब ही कर लेते हैं। लपेटे में नेताजी में आप सभी का स्वागत है। खास ऑडियंस हमारे साथ हैं मंच पर, खास कवि हमारे साथ हैं हमेशा की तरह, और इस बार खास दो कुर्सियां लगी हुई हैं। और ये क्यों लगी हुई हैं ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज मेहमान बहुत ही खास हमारे साथ, एक ही नेताजी हैं और वो लपेटे में लिए जाएंगे मंच पर कवियों द्वारा। स्वागत करेंगे हम LJP नेता चिराग पासवान जी का। स्वागत है चिराग जी मंच पर। आज हमारे साथ हैं इटावा से अवनीश त्रिपाठी जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से सुदीप भोला जी, सरदार प्रताप फौजदार और शाहजहांपुर MP से दिनेश देसी घी साहब। सबसे पहले तो चॉइस मैं आपको देता हूं, ये लपेटना कहां से शुरू किया जाए? जिसको लपेटा जा रहा है शायद उसके पास ऑप्शन कम होते हैं, जो भी शुरू करें देखते हैं। नहीं सर, ऐसा होता है कि पहला तीर तो आपने साइड को निकाल दिया मेरा। ओ यार वेलकम, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है एक युवा नेता के साथ में। अब तक वो ही हमारे जैसे बूढ़े खैयड़ आते थे। अब कुछ अच्छा हुआ है? अब कुछ अच्छा हुआ? हाँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है। और वैसे भी आप नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। दरअसल क्या है, पहले कि आप उस पे ही बैंक शुरू कर सर, ये कोशिश मैंने भी की थी, उसी कोशिश में ऐसा हो गया हूँ। आपका स्वागत है सर। मैं आपके यहाँ से मतलब बिहार से या आप लोगों से वहाँ से, मैं बड़ा कंफ्यूज सा हूँ, कुछ क्वेश्चन है मेरे, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कश्मीर में धोबी पाट मोदी जी ने मार दिया ना कश्मीर में धोबी पाट मोदी जी ने मार दिया, ये बताओ इस पे नीतीश जी क्यों मौन है? ये बताओ इस पे नीतीश जी क्यों मौन है? और जितने भी लंपटियां भक्त बने फिरते हैं जितने भी लंपट या भक्त लंपट अच्छा हम सब में भक्त दिख कौन रहा है यार? जितने भी लंपट या भक्त बने फिरते हैं, इन्हें बरगलाने वाला लंपटेश कौन है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
कि चुनाव से पहले आपके तीखे तेवर थे। सर एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपसे, चुनाव से पहले आपके तीखे तेवर थे क्या सीट बंटवारे से बदली वोटों ने? कंफ्यूजन है। और हाँ, और आखिरी सर आखिरी, कि मैं तो कंफ्यूज हूँ सर, आप ही बताएं मुझे ये तेज और तेजस्वी में बड़ा भाई कौन है? बहुत अच्छे बात को से लेके मेरे दोनों छोटे भाइयों से लेके और मुझ पे भी डायरेक्ट। आपने बता दिया सबसे बड़े तो आप हैं, वो दोनों छोटे हैं। ये एक बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरे दोनों छोटे ही भाई हैं। अब मेरे दोनों छोटे भाइयों में से मेरा सबसे छोटा भाई कौन सा है, ये कंफ्यूजन थोड़ी सी चुनाव के वक्त जरूर खड़ी हुई थी पिछली बार। बट बहरहाल ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। सर बहुत ही शानदार। सर मैं एक रुक जा कंफ्यूजन के भरे बैठे हैं। तेरा नंबर तो, तेरा नंबर तो जब आएगा जब भगतों पे से जाएगा। के मोटा भाई मूड में और पाकिस्तान चले जाएं तो इमरान खान के सभी सांसद टूट जाएंगे। कौन क्या कर रहा, मजे लेना सर, आप भी आनंद लेना सर। इमरान खान के सब सांसद टूट जाएंगे और केजरी ने जाके यदि चीन में किया बवाल। केजरी ने जाके बहुत फैलाता वो केजरी ने जाके यदि चीन में किया बवाल तो चीनियों को घूंट घूंट रायता पिलाएंगे। और सुनना मस्ती में, कर राहुल यदि कोरिया में मिली जिंग जोंग से तो किंग जोंग है वो, जिंग जोंग वो सब एक पिंग पोंग किंग जोंग डोंग डोंग सब एक जैसे लगते। कि राहुल यदि कोरिया में मिले किंग जोंग से तो आलू से बनेगा सोना ट्रिक समझाएंगे। और अब आंदोलन आलू से बनेगा सोना ट्रिक्स समझाएंगे। और पासवान जी यदि अमेरिका गए तो गारंटी है ट्रंप की सरकार में भी मंत्री बन जाएंगे। और सर आगे भविष्य भी बता रहा हूं मैं, के मंगलवासी जब भी आगे अपनी सरकार बनाएंगे। समर्थन करना, के मंगलवासी जब भी भविष्य में अपनी सरकार बनाएंगे तो पासवान जी शपथ ग्रहण को चंद्रयान से जाएंगे। इनकी जहां आखिरी में पासवान जी वहां चंद्रयान से जाएंगे तो वहां पे लोग गाना बजाएंगे। और क्या बजाएंगे वो मैं सुना देता हूं। कि पासवान आए यूं मुस्कुराए। लेकिन एक बात की बधाई कि आपने हमारे लिए सर इतना हंसता खिलखिलाता हुआ एक चेहरा बड़ा राजनेता लाकर के यहां पर आए, नहीं तो लोग डर के मारे उनकी हंसी नहीं निकलती। आप हंस रहे हैं, आपकी ईश्वर हंसी बनाए रखे। सुनिए, कि पासवान आए यूं मुस्कुराए रुख ये हवाओं का सबको बताए, ज्योतिषी का जैसे होशियार तोता है। आप देखो परफेक्ट मौसम विज्ञानी हैं। मैं सही बता, आप राजनीति के परफेक्ट मौसम विज्ञानी हैं। कि पासवान आए यूं मुस्कुराए रुख ये हवाओं का सबको बताए, ज्योतिषी का जैसे होशियार तोता है
आपके सिवाय कुछ भी न होता है, आपके सिवाय कुछ भी न होता है। लाखों दीवाने मांगे दुआ, सबकी जरूरत है लोजपा। उपग्रही मिजाजी है, सैटेलाइट नेचर, उपग्रही मिजाज है, मौसम का इनको अंदाज है। लगता है नासा आपका ही पोता है, और आपके सिवाय कुछ भी न होता है। मतलब लोजपा का नाम रखूं अगर मैं, तो उसका नाम रखूंगा हवा बताई। हमारे यहाँ एक राम मिलाई काकी थी, वो जोड़ी बनाते रहते थी, तो उनका नाम रख दिया राम मिलाई। तो ऐसे सुनिएगा कि भाजपा की, बसपा की, लालू जी की या सपा की। भाजपा की, बसपा की, लालू जी की या सपा की, कोई भी बना ले सरकार है बोलो जपा की। किसकी सरकार बनेगी पहले से हमें पता जी, किसकी सरकार बनेगी पहले से हमें पता जी, उनसे गठजोड़ किया है बाकी को दिया धता जी। कुर्सी हमारी चिर स्थाई, कुर्सी हमारी चिर स्थाई, कहते हैं हमको हवा बताई, हवा बताई। के चाहे किसी की हो शादी, हम ऐसे हैं अब सर्वादी। हाथी घोड़े बाराती, हाथी घोड़े बाराती, जिसके हम उसके साथी। हाथी घोड़े बाराती, जिसके हम उसके साथी। नागिन नागिन डांस करे कोई हमसे क्या, हो 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 हो। कि नागिन नागिन डांस करे कोई हमसे क्या, हो 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 हो। हमने तो अपनी बीन बजाई, हमने तो अपनी बीन बजाई, और कहते हैं हमको हवा बताई। ये सवाल आपसे बार बार किया जाता है और आप बार बार कहते हैं कि भाई हम तो पब्लिक का मूड पकड़ते हैं, हम राजनीति का मूड नहीं पकड़ते, तो पब्लिक का मूड पकड़ते कैसे हैं? नहीं बट ये बात आप भी मानेंगे किशोर जी, बहरहाल खैर शुरू में मैं इसको पहले बोलूं कि जब पिताजी के बारे में जब ये कहा जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, तो शुरू में मैं बहुत कन्फ्यूज रहता था कि ये उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उनकी आलोचना कर रहे हैं, ये उनको अप्रिशिएट करने के लिए कहा जा रहा है या उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी तारीफ है, अब ये शुभ संकेत है या शुभ शगुन है कि जिस तरफ लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं सरकार उस तरफ की बन जाती है, तो इसको मैं एक अच्छा संदेश ही मानूंगा। पर ये जो कहानी सुनी थी हमने, पता नहीं कहानी है सच्चाई है, आप बैठे हैं बताई दीजिए, हमने तो सुना था 2014 में वो तो इस तरफ नहीं आ रहे थे, वो तो आप पकड़ के लाए हो, वो तो कह रहे थे मुझे उधर ही रहना है, तो असली मौसम विज्ञानी तो आप हुए या तो आपने विरासत में उनसे पूरा ज्ञान। ये भी परिवारवाद का हिस्सा है। मौसम वैज्ञानिक वाली बात कही हमारे सिद्धिया ने, तो थोड़ा सा लगता तो मुझे भी है पासवान जी के, कभी डूबती नहीं है पासवान जी की नैया, देख रहा हूँ मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। चिराग जी पहले एक बात बताऊं, सच में निकल जाएगी फिर बात, थोड़ा थोड़ा हाँ, हाँ, लोहा गरम में मार दो थोड़ा। नहीं इसकी भी आवाज में वही वेस है जो आपकी में है। तो मतलब हाँ। क्या करें, मैं वहां जाऊं कि वो यहाँ है। कभी डूबती नहीं है पासवान जी की नैया, लगभग दो दशक से हो रहा है ताता थैया, बहुमत मिले किसी को
परवाही ने नहीं है, जिस ओर होगी सत्ता उस ओर ये है भैया। बुरा मान लो, देख रहा हूँ मौसम विभाग के हिसाब से, मैं देख रहा हूँ इसमें सत्ता मिल रही है, बुरा मानने वाली कौन सी बात है। और ये तो चार लाइन, मैंने तो पूरी 40 साल लिखी है पासवान जी पे। अच्छा। चार पंक्ति सर सुना देता हूँ प्रकाश सर, फिर बाकी मैं घर पे आके सुनाऊंगा आपको। फिर अच्छा सा पाठ वाठ रखेंगे, पूजन पाठ, ढोलक पेटे वालों को बुलाएंगे, फिर गाएंगे ढंग से। लेकिन चार पंक्तियां सुने आप अभी पासवान 40 की। लालू संग खूब खेल रचाया, मनमोहन का साथ भी पाया, अब मोदी को खूब लुभाया, भेद अभी तक समझ न पाया। मनमोहन की जला के छाती, मोदी के तुम बन गए साथी। मनमोहन की जला के छाती, मोदी के तुम बन गए साथी, देख देख तुम्हारी ख्याति, रोए सब माया के हाथी। अगले को पता नहीं चला कि गठबंधन जिससे करें, आप तो जिससे करें वो सक्सेस हो जाता है। चलती है हवा जिधर, चलती है हवा जिधर, तुम चलते उस ओर, मंत्री पद मिल जाता है, बिना लगाए जोर सिया बर राम चंद्र शंकर हरिओम जय जय पासवान हरि। बाकी सर घर पे सुनाऊंगा मैं, बुलाएंगे ही नहीं। अच्छी बनी है सर, ये तो केवल अच्छी बनी। ऐसा है, कुछ सवाल जवाब सीधे सीधे पूछ लेते हैं जी। प्रताप जी आप थोड़ा सा धार दीजिए थोड़ी तलवार पे, तलवार को धार। हाँ देखिए एक बात बताऊं मैं यहाँ सवाल जवाब शुरू करता हूँ इनसे, यस नो में जवाब लेता हूँ, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा फिर आपके पास आते हैं। ठीक है चलिए। पहला सवाल, क्या सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल होता है? चिराग जी ने अभी तक सब कुछ ईमानदारी से ही बोला, तो ये भी हम ईमानदारी से ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं नहीं इस्तेमाल नहीं होता। रोजगार संकट बढ़ गया है? बढ़ गया आपने पूछा? नहीं, बरकरार है। बढ़ गया आप बोलेंगे कि जैसे मोदी सरकार आई है इसीलिए बढ़ गया है, ये मैं नहीं मानूंगा। चलिए पलट देते सवाल को, रोजगार संकट जो पहले था वो मोदी जी उसको दूर नहीं कर पाए? सवालों में यस और नो में आप कैसे जवाब देंगे? दूर नहीं कर पाए अगर सर, मुझे लगता है कि तख्ती को आप छुपा ही लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में आरक्षण पर बहस होनी चाहिए? नहीं, बहुत क्लियर हूं मैं इस बात को। लेकिन पासवान जी ने तो कहा था भागवत कि बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ। और आज की डेट में भाजपा आरएसएस दोनों कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए, तो आप उनसे सहमत हैं कि खुद से सहमत हैं? नहीं, मैं खुद से सहमत हूँ। मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी की अपनी विचारधारा है, मेरी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, और मैं इस बात को पूरी तरीके से मैं मानता हूँ कि इस पे अभी फिलहाल कहीं कोई बहस की जरूरत नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। समृद्ध दलित हैं, अगर कोई दलित वर्ग से आते हैं, अमीर हैं, समृद्ध हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं? ये नहीं, चलिए आपका प्रधानमंत्री पे विश्वास तो हमने बहुत बार सुन लिया, नीतीश कुमार जी पर आपको कैसे विश्वास? आपने ये भी सुना होगा कि मेरा मेरे मुख्यमंत्री पर भी विश्वास है, और जब वो पलटी नहीं मारेंगे, जब वो हमारे साथ नहीं थे तब भी। देखिए कहीं ना कहीं आपको विश्वास रखना पड़ेगा, अराजकता में आप नहीं जी सकते, ठीक है? वो हमारे गठबंधन के साथ मजबूती से हैं। दोनों छोटे भाई तो उनको पलटू चाचा ही कहते हैं।
मेरे दोनों छोटे भाई हैं और मैंने निरंतर उनको इस बात का मैंने समझाया भी था, बड़े भाई का फर्ज बनता है कि अगर छोटे अगर राह से भटके तो उनको समझाएं। मैंने उनको निरंतर मैंने चुनाव के भी कहा था कि भाषा की मर्यादा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी खूबसूरती से आप लोग भाषा का उपयोग करके व्यंग को इतने खूबसूरत शब्दों का चोला पहनाकर आप कठोर से कठोर तीखी से तीखी बात भी आप कह जाते हैं, ये हर किसी को सीखना बहुत जरूरी है और युवा पीढ़ी को खासतौर पर। छोटे भाइयों की बात करें तो उनका सवाल तो ले लेंगे। आपने पहले भी कहा था कि तेजस्वी जो हैं वो अध्यक्ष आरजेडी बनने के लिए सबसे काबिल हैं, अभी भी आप इस पर कायम हैं? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। तो फिर तेज प्रताप है? नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। उनकी पार्टी है, वो जिसको अध्यक्ष बनाना चाहे मैं उसकी चिंता क्यों करूँगा, उनकी अपनी पार्टी है, वो खुद अध्यक्ष बने, उनके पिताजी अभी अध्यक्ष हैं, जेल में हैं, जो भी बनना चाहे। अच्छा, पिछली बार चलिए तेजस्वी पे आपने नहीं कहा, लेकिन एक चीज जो आपने मुझी से कही थी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उसका तो मैं ही हाँ, कि आपने कहा था कि पिछली बार जब हम मिले कि राहुल गांधी अब पहले के मुकाबले परिपक्व हो गए, अब उसके अब परिवर्तन मुझे देखने को मिला। हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैंने बोला। हाँ, और अब उसके मुकाबले और परिपक्व हो गए जब से पिछली बार मिले थे? मुझे लगता है शायद वो एक टेंपरेरी फेज ही था, मुझे लगा था जिस जितनी मजबूती से वो सामने आए थे वो वापस उसी को भवन में चले गए। तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है सवाल जवाब ही कर लेते हैं। सर वो पत्ती क्यों नीचे डाल दी? हम जवाब जल्दी नहीं दे पाएंगे। अच्छा, इजी क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी देश के अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं? यस, नो डाउट। मतलब अटल जी से भी बेहतर? देखिए, आपने पूछा अब तक के सबसे बेहतर, बिल्कुल अब तक के सबसे बेहतर। उनकी जो नीतियां, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो कार्यशैली है, मैं 100%, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए ऑन कैमरा ही नहीं, आप मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आप मुझसे बात करेंगे, मैं इतना ही कन्विंस हूँ कि वो आज तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं। चलिए लास्ट येस और नो क्वेश्चन, फिर आपके पास आता हूँ प्रताप जी। ये क्वेश्चन तो आपसे बार बार पूछा जाता है, राजनीति में परिवारवाद गलत परंपरा है? नहीं, ये परंपरा नहीं है। अच्छा, फिर वही बात है, मैं बोलूंगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर लॉयर, वो बहुत ही क्लीशेड एग्जांपल्स हो गए हैं, बट मैं आपको ईमानदारी से बोलूंगा किशोर जी, कोई और करेगा क्या? ठीक है, मैं आपको अपने उदाहरण में देके बताता हूँ, मैं आउटकम माना जाता हूँ यही परिवारवाद का। ठीक है, मैं अगर ये नहीं करता तो मैं क्या करता? मैंने करने का प्रयास किया था, गया था फिल्मों में, नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरी सात पुश्तों का किसी का फिल्मों से कुछ लेना देना नहीं, वो चीज़ें आई नहीं मुझे सहजता से। लेकिन आपकी सब बात मानते हुए सर, मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपके चाचा जी पलटी मारेंगे। सर क्या है कि एक खबर तो आपने सुनी ली होगी कि चिदम्बरम जी तीर्थ यात्रा पे आ गए। तो मैं दो बातें तो कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, भैया सुन लेना, कहाँ हो तुम? कहीं हाँ, कुछ पता नहीं कहाँ है। कि शिव भक्त कांग्रेसी हो तुम भी थोड़ा सीख लो, और आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं सर, मैं भाजपा कहूँगा तब भी आप हैं, और आप कहूँगा तब भी आप हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा कांग्रेसी भी सीख लें। कि शिव भक्त कांग्रेसी हो तुम भी थोड़ा सीख लो, साह के प्रसाद का प्रसार कैसे होता है। साह के प्रसाद का प्रसार कैसे होता है? और जब होती जेल तुम्हें, इन कांग्रेसियों को जब भी होती जेल तुम्हें, तो लोकतंत्र खतरे में। जब भी होती जेल तुम्हें, लोकतंत्र खतरे में, ये खूब जानते हो कि प्रचार कैसे होता है। पर सर आप भी कुछ थोड़ा सीख लो। बने थे सिकंदरम, चिदंबरम है अंदरम। बने थे सिकंदरम, चिदंबरम है अंदरम, ये भाजपा ही सीखो भ्रष्टाचार कैसा होता है। कैसा होता है? आप ही तो सीखो।
भ्रष्टाचार कैसा होता है। और सर एक बात बताऊं, देश की स्थिति, मेरे ये सब नौजवान साथी बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है, काई चीज का बेड़ा करके, इसलिए अगली पंक्ति में कह रहा हूं कि भाजपा इसी को भ्रष्टाचार कैसा होता है, और लगे हाथ चिदंबरम से इकोनॉमी सीख लो, बेड़ा गर्क हो तो बेड़ा पार कैसे होता है। चिदंबरम जी अंदरम बताया, सुनिएगा कि जो भी सत्य है, घंटा बजता है कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, भागो बच कर देखो, शाह के हाथ में हंटर है। चिदंबरम अंदरम, चिदंबरम अंदरम अंदरम आ, चिदंबरम अंदरम अब किसका है नंबरम, जो भी सत्य है, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, चिदंबरम अंदर। अब सुनना कि 24 घंटे सबने खोजा, मिला ना लुंगी वाला, मिले अंततः मुख्यालय में, मिले अंततः मुख्यालय में, प्रगट भये गोपाल। सीबीआई शरणम चिदंबरम अंदरम। और जन्माष्टमी है तो मैंने थोड़ा फील वैसे ही आ रहा था, सुनिएगा कि कोर्ट सत्य है जग में केवल, तुम बस एक पुजारी, पहन के भगवा चोला जपना, कुछ दिन हरे मुरारी। अब आप तो पूर्व फैशन डिजाइनर भी रहे हैं, तो ऐसे हम तो वैसे पीछे ही पड़ गया। नहीं सर, हमारे जो है पहले फैशन डिजाइनर भी रह चुके हैं, तो हम अपना मॉडल साथ में लेके चलते हैं। के कोर्ट सत्य है जग में केवल, तुम बस एक पुजारी, पहन के भगवा चोला जपना, पहन के भगवा चोला जपना, कुछ दिन हरे मुरारी। अब अकेले तो जपेंगे नहीं, कंपनी के लिए कौन चाहिए, कुछ दिन हरे मुरारी, बापू भी है अंदरम। कंपनी मिल जाएगी। हाँ कंपनी, ये बात अलग है, करवाया भी नहीं नहीं था उनको। कि चिदंबरम अंदरम, गुरु जी की बात आगे बढ़ाता हूं। हाँ। के पटरी पर हम अर्थ व्यवस्था, बोलो कैसे लाएं, सीबीआई पूछताछ कर रही है कड़ी। कि पटरी पर हम अर्थ व्यवस्था, अंकल कैसे लाएं, दया करो प्रभु ये बतला दो, कैसे माल कमाएं, कैसे माल कमाएं, जीडीपी हो गई है कम, चिदंबरम अंदरम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा ये तो हकीकत है कि ये जीडीपी इकॉनमी और ये सब लेके बड़े लोग सवाल बोल रहे हैं कि साहब आप लोगों ने ये इसलिए पूरा माहौल बनाया हुआ है क्योंकि इकॉनमी नहीं संभल रही। मेरा विश्वास आज भी मेरे प्रधानमंत्री पर है, और कोई ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं लगता देश की है जो उनके संज्ञान में नहीं हो,
और अगर युवाओं से जुड़ी, क्योंकि मैं खुद युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोग को इस बात को भी थोड़ी सी गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि रिसोर्सेज आपके पास कितने भी हों, अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी होंगे वो भी एक दिन समाप्त होंगे अगर आप कहीं ना कहीं आबादी पर आप नियंत्रण नहीं पाएंगे। जिस तरीके से पॉपुलेशन इन्फ्लेशन भी हो रहा है, और मुझे खुशी है कि इससे पहले किसी सरकार ने इस तरफ अपनी चिंता जाहिर नहीं की है, आप अनंत आप रिसोर्सेज भी ले आए वो भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या इस तरीके से बढ़ती जाएगी। बट मुझे लगता है समस्याएं सामने आएंगी, परिस्थितियां नया नया रूप लेकर समस्याएं सामने उत्पन्न होंगी, बट पुनः दोहराऊंगा प्रधानमंत्री जी सक्षम है इन तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। मतलब आपके लिए रोजगार कम नहीं हो रहे, लोग ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि रोजगार कम नहीं हो रहा, लोग ज्यादा हो रहे हैं। मैं आई थिंक ये एक विशेष सर्कल है, एक विशेष सर्कल है। आप कितने भी आप रोजगार उत्पन्न करेंगे बट अगर पॉपुलेशन भी उसी तरीके से इन्फ्लेट करेगी तो डेफिनेटली वो भी कम होंगे। दरअसल विपक्षी कह रहे हैं कि ये तरीका गलत है, रात के 2:30 बजे परेशान किया जाता है, दीवारें फान के सीबीआई के अधिकारी आ गए हैं ना, तो जितने भी नेता हैं वो सब परेशानी में बचाव का तरीका ढूंढ रहे हैं। मैंने लिखा है कि बेईमान नेता सारे थर थर कांप रहे, सोचने लगे हैं अब कैसे बच पाएंगे। एक बोला ईंट और सीमेंट के बताओ रेट, घर की दीवारें अब ऊंची करवाएंगे, है ना। अच्छा, अब उसका एक विश्लेषण सुनना। उससे कई लोग भागे वैसे भारत से, माल्या जी भागे, है ना जी। हाँ। लगा रहा हूँ, इसका वो नहीं करना, जी लगानी पड़ेगी। हाँ। उनके नेता सामने बैठे। हाँ। सुनिए, विजय माल्या भागे, ललित मोदी, नीरज मोदी, कई लोग भागे। अब उसका विश्लेषण सुनना कि दूजा बोला हम ऐसी मूर्खता करेंगे नहीं, चिदंबरम जी की तरह लौट के ना आएंगे, और जींस पैंट लुंगी वाला बच नहीं पाता कोई, रामदेव वाली सलवार सिलवाएंगे। सही है। अब देखिए, क्योंकि आप भाजपा के सहयोगी हैं, एक फोन नंबर आपके दिमाग में काफी बार आपके सामने से निकला होगा। एक उपाय उनके मैनेजर ने बताया, चिदंबरम जी के मैनेजर ने, एकमात्र उपाय सुनना कि रोज रोज का समाप्त झंझट ये कीजिएगा, अर्जियां बचाव की भी कितनी बार देंगे आप, खुद बच सकते हो बात मेरी मानिएगा, साथ साथ अपने बेटे को भी तार देंगे आप, सर अब एक ही उपाय है बचा हुआ जिससे पूरी पूरी जिंदगी संवार देंगे आप। अब उपाय सुनना, सर अब एक ही उपाय है बचा हुआ जिससे पूरी पूरी जिंदगी संवार देंगे आप, 89 के है बाद 4 बार 80 यदि इस पर मिस कॉल मार देंगे आप। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सही है, मिस कॉल वाली सर, ये नंबर तो आपको भी याद होगा ना। ये भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाला नंबर है। पासवान जी सुने के नेताजी के भाग्य में, नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस, नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस, अब तिहाड़ की जेल में होगा लुंगी डांस, होगा लुंगी डांस। तो कुल मिला के मामला ये है कि जैसा करेगा ऐसा आदमी भरेगा। इस पक्ष में चिराग जी आप भी हैं, आपका भी पक्ष है कि जो आदमी जैसा करेगा ऐसा भरेगा, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये है कि धारा 370 हट गई, अब कुछ लोगों को शांति बनाने के लिए नजरबंद किया है मोदी जी ने, तो उनके खिलाफ जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं। उनके लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि नजरबंद हो गए जो बनते थे वीर, नजरबंद वो हो गए जो बनते थे वीर, कश्मीर को समझते थे वो अब्बा की जागीर, वो अब्बा की जागीर। मतलब कहते थे धारा ये हटाओगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे,
अब मैं उन नेताओं के लिए भी इतना कहता हूँ कि जो उनके खिलाफ जो धरना कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनसे मेरा इतना कहना है मोदी जी से कि नजर बंद नेताओं के पक्ष में है जो आज, नजर बंद नेताओं के पक्ष में है जो आज, तो नजर बंद उनको करो और मेटो उनकी खाज, मोदी जी मेटो उनकी खाज। बहुत बढ़िया। और सुख दिया वास्तविक परिप्रेक्ष्य में हो क्या रहा? पासवान जी मैं प्रणाम करता हूँ। आपने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, सारी बातें कहा, मतलब ये है कि राजनीति कुरुक्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र ही चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति कुरुक्षेत्र में। मुझे तो तू ऐसे पूछ रहा है जैसे इस कुरुक्षेत्र का मैं ही सगुनी हूँ। मैं भी कंफ्यूज हूँ, डेढ़ घंटे से सगला आपके सगुनी जैसे ही मिल रही है, कंफ्यूज हूँ मैं भी इनके द्वारा। सुने आप कि राजनीति कुरुक्षेत्र में देखो चली समीर, राजनीति कुरुक्षेत्र में सर जी देखो चली समीर, मोदी जी रत हाँकते साह चलाए तीर, साह चलाए तीर। आपने कहा कि ये भी फिल्मों में आपने ट्राई किया है ना, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था। मैं एक पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उसके बाद अपनी बात कहता हूँ कि राजनीति में सक्सेस की गारंटी पूरी पूरी है, राजनीति में सक्सेस की गारंटी पूरी पूरी है। आधा एक बात काम तो हाँ, ये राहुल जी को ध्यान में रख करके कहना ये बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका जो फिल्म वाला टाइम था, आधा काम तो हो ही चुका है, आधी बात अधूरी है, राजनीति में आपको ज्यादा दिक्कत कभी ना आएगी, क्योंकि इस प्रोफेशन में भी एक्टिंग बहुत जरूरी है। बढ़िया है, बढ़िया है। आप फिल्मों से संबंधित हैं, फिल्मों से आप संबंधित रहे हैं, तो एक मैंने खबर एक को लाता हूँ। पाकिस्तान में फिल्में बैन हो गई, इंडियन फिल्में, हालांकि भारतीयों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन बड़ी बात यह पाकिस्तानियों को भी ज्यादा तो उन पे भी नहीं पड़ रहा है, उन पे ही कौन से देखने के लिए पैसे हैं। चलिए अब मैं बता रहा हूँ वहां के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए कि हिंदुस्तानी फिल्मों में होती बेइज्जती हमारी, तो पैसे देके अपनी क्या बेइज्जती कराएंगे। सही है। और जो वजह अभी बताई उन्होंने कि वैसे भी तो हालत खराब पूरे मुल्क की है, टिकट क्या ट्रंप जी उधार दिलवाएंगे। अब अगर पाकिस्तान की असली माली हालत में बयान कर दूं, तालियों टाप की, होती बैन या ना होती हमें मतलब नहीं, होती बैन या ना होती हमें मतलब नहीं, फिल्म नहीं देखेंगे तो मर नहीं जाएंगे, फिल्म में जरूरी नहीं पैसे बड़े कीमती हैं, इतने में 2 किलो टमाटर ले आएंगे। एक भक्त मिल गया मुझे, युवा भक्त भाजपा का। अच्छा आजकल तो ऐसा हो गया कि भक्त नाम लो तो वो भाजपा का ही माना जाता है। तो हनुमान जी का भक्त। हाँ तो मैंने अभी तो तू पासवान जी का था। तो भक्तों का दर्द सुनिए सर, ये यंग चैप्स की ओर से मैं कह रहा हूँ, आपसे सुने, आप भी यंग हैं, मैं आप एप्लीकेशन एक भगत लगा रहा है कि ट्विटर पे ताना यदि देता कोई आपको, तो मोदी जी को अगर कोई ट्विटर पे ताना भी दे दे तो भक्त क्या करते हैं, गाली दे के कहते तुम पाकिस्तान जाओगे। बहुत अच्छे।
ये भक्त कर रहे हैं सर आपके लिए। और बिना सोचे फॉरवर्ड किए मैसेज हमने, भक्त कह रहा है, बिना सोचे फॉरवर्ड किए मैसेज हमने, सोचा नहीं था दोस्तों में लठ चलवाओगे। आपस में मन बिगड़ी हो गई यार, के रोजगार व्यापार इकोनॉमी का बेड़ा गर्क। रोजगार व्यापार इकोनॉमी का बेड़ा गर्क, क्या अपने भक्तों का भविष्य भी डुबाओगे। और आखिरी बात कह रहा हूं सर, आप ताली ठाके सबसे लेना, आप गंभीरता से लेना, क्या भक्त क्या भविष्य भी डुबाओगे। और शौचालय में बैठे बैठे घंटों तक सोचते हैं, आपने तो कुछ किया नहीं शौचालय बनवाए। के शौचालय में बैठे बैठे घंटों तक सोचते हैं, यूं खाली पेट कितना भजन करवाओगे। सर ये सच्चाई है दर्द है, के सर से उतर रही है भक्ति। आपने भी खूब भक्ति में पागल बना दिया सर। केसर से उतर रही है भक्ति धीरे धीरे बेरोजगारों की, और फट गई वर्दी बज गई सीटी, हम सब चौकीदार। मैं एक सीधे सीधे बात ना कह के प्रतीकों के माध्यम से एक गीत सुनाता हूं, सुनिएगा। आप किन रास्तों पे चल रहे हैं? इस देश की खूबसूरती यह है कि हमारी अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन अंत में कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई रिलीजन हो, अंत में जाके सबका संदेश प्रेम होता है। सुनिएगा कि जिन पर मीराबाई के पग चिन्ह बने, शुद्ध कविता सुनाता हूं, सुनना। कि जिन पर मीराबाई के पग चिन्ह बने, सूर कबीरा रस खानों के छंद बने, कालिदास की मती जहाना भ्रमित हुई, जिन पर तुलसी की मानस अवतरित हुई, जिन पर नैन टके केवट मल्लाह के, हमरा ही उस प्रेम नगर की राह के, हमरा ही उस प्रेम नगर की राह के। ये राहें जाती फागुन से सावन तक। सुनिएगा ये अच्छा, इतना बड़ा मंच है, यहाँ पर कभी कभी हमें इस तरीके का सुनाने का भी मन करता है। कि ये राहें जाती फागुन से सावन तक, श्रीनगर से जाती हैं वृंदावन तक, राम सेतु से राम सेतु से ताजमहल तक जाती हैं, ओल फकीरी काशी में रंग जा, ओल कबीरी काशी में रम जाती हैं, जिसको चलना चले बिना परवाह के, हम हैं राही प्रेम नगर की राह के, हम हैं राही प्रेम नगर की राह। और ये आखिरी की चार पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं सर, सुनिएगा। कि जाति पाति का जिन राहों में भेद ना हो, कविता की ये भाषा भी होती है, कि जाति पाति का जिन राहों में भेद ना हो, अपना अपना भगवा हरा सफेद ना हो, अपना अप, इस बात पे ताली आनी चाहिए थी आपकी। कि जाति पाति का जिन राहों में भेद ना हो, अपना अपना भगवा हरा सफेद ना हो, हर मजहब हर प्रांत वर्ग भाषाई हो, तीन रंग में रंगे सभी हम राही हो, ईश्वर ईसा नानक या अल्लाह के, हम राही हैं प्रेम नगर की राह के, हम राही हैं प्रेम नगर की राह के, हम राही हैं प्रेम नगर की राह के, हम राही। धन्यवाद। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे आप चिराग जी, इस मंच पर आकर जो सवाल बहुत जगह पहले पूछा जाता है, हम आखिर में पूछते हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा एक लंबे समय में मैंने फील नहीं किया था। निरंतर इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस चलते आ रहे थे, तो मेरे लिए भी एक बहुत खूबसूरत ब्रेक था ये। आने से पहले मैं थोड़ा डरा हुआ ज़रूर था, ईमानदारी से बोलूँगा, क्योंकि इस शो का फॉर्मेट मैं जानता हूँ, लिटरली इसमें लपेटे में लिया जाता है। पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू आप चारों को सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ इतनी अच्छी, आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इसी बुलंदी के साथ मुझे लगता है कवियों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही है कि सत्ता के साथ निरंतर उन्होंने संघर्ष किया है। लास्ट में एक एप्लीकेशन और है। हाँ वैसे सर आप लीडर हैं तो कहना तो क्या है,
आपने एक बढ़िया बात कही थी अभी कि बड़ी बड़ी सुंदर आवाज है, है? लेकिन मेरे बारे में ये चमचागिरी मानी है। सर मैं एक वो कहना चाहता हूँ कि लास्ट में कि आपकी बात हो गई, सत्ता की बात हो गई, पर हमारे एक लोग छूटे, आपने भी वैसे बात कर दी, कांग्रेस ही हमारे छूटे हुए हैं और पता नहीं उनको क्या हो गया है कि वो आ नहीं रहे हैं, आजकल बिलों में छुपे हुए हैं सर, कहीं हम बुलाते हैं यहाँ तो हमारे प्रोग्राम में भी नहीं आते वो, अब यानी क्या क्या डरने लगे हैं वो, क्या होने लग गया है उनको, आईसीयू में क्यों पड़े हो, बाहर निकल आओ, सांस लौटने का तालमेल आने वाला है और अंत में ज्योति एक बार जल उठेगी, बुझते हुए दिए में तेल आने वाला है। राहुल जी चलो फिर लुक्का डुक्की खेलते हैं कि राहुल जी चलो फिर से लुक्का डुक्की खेलेंगे, चौकीदार चोर वाला खेल आने वाला है। चौकीदार अब समर्थन करना, आ जाओ कांग्रेसियों, कांग्रेसी भाइयों तुम जहां भी छुपे चले आओ, सुना है सितंबर में राफेल आने वाला है। और सुनो कांग्रेसियों के खुद की नाव डुबोई कैसे, ये गुण हमको भी सिखला दो, खुद की नाव डुबोई कैसे ये गुण भी सिखला दो, और हमारा दर्द सुन लो के दरस परस को तरस गए आकर मुंह दिखला दो। तो इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। आज लपेटे गए एलजेपी नेता चिराग पासवान, हालांकि प्रताप जी आप भी मानेंगे चिराग जी कि लपेटे मखमल में गए आप। नहीं बिल्कुल मजा आया, पहली बार लपेटे जाने में मजा आ रहा था। सर हम फंसाने के लिए दाना डाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिराग पासवान जी, आप हमारे मंच पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।